ग्वालियर में एक नाबालिग छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। घटना के समय छात्रा के माता पिता किसी काम से बाजार गए थे। जब वह वापस लौटे तो घटना का पता लगा। इकलौते बेटे का खून से सना शव बेडरूम के फर्श पर पड़ा देखा, पास ही उनकी पिस्टल पड़ी हुई थी। बेटे का शव देख माँ की चीख निकल पड़ी। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौके पर बुला लिया। घटनास्थल की जांच करने के बाद पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर डेड हाउस में रखवा दिया है। यहां पता नहीं चल सका है कि छात्र ने यह कदम क्यों उठाया है।